क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर कहीं ना कहीं धीरे धीरे नशे की चपेट में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। मुंब्रा शहर के रशीद कंपाउंड झंडे वाले बाबा का जो इलाका है, वहां पर नशा बेचने वाले 3 से 4 लोगों ने एक ताहिर हुसैन नाम के व्यक्ति को जमकर पीटा है। ताहिर हुसैन इन लोगों को नशा बेचने से मना कर रहा था, इसलिए ताहिर हुसैन की पिटाई की गई। दरअसल स्थानीय समाज सेवक रेहान पीतल वाले को बार बार इस इलाके में नशे बेचने की शिकायत मिल रही थी और कल दोपहर में ही नशे बेचने वालों के खिलाफ रेहान पीतल वाला वहाँ पहुँच गए और उन्हें नशा बेचने से मना भी किया और उन्हें डांट फटकार भी लगाई। और इसी दौरान ताहिर हुसैन को रेहान पीतल वाले ने कहा कि अगर कोई भी इस इलाके में नशा बेचते हुए दिखे तो उसे मना करना। और शाम के वक्त 3 से 4 लोग नशा बेच रहे थे और ताहिर हुसैन ने जब इन्हें मना किया तो इनकी पिटाई कर दी गई। रात के समय जब पिटाई की खबर रेहान पीतल वाला को लगी, उसके बाद रात में 2 पुलिसकर्मी और ताहिर हुसैन और कुछ मीडिया कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे, मगर मारपीट करने वाले ये 3 से 4 नशा बेचने वाले लोग फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में नशे का जहर इस तरह से घुल रहा है कि इसे रोकने में शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। मुंब्रा कौसा में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ खुलेआम नशा बिकता है, बेचने वालों का वीडियो भी वायरल हुआ है। रशीद कंपाउंड झंडे वाले बाबा का जो इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा ईरानी समुदाय के लोग रहते हैं, मगर कुछ ही ईरानी समुदाय के लोग खुलेआम नशा बेच रहे हैं, जिसमें कम उम्र के नौजवान तेजी से नशे का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में नशे के खिलाफ कई तंजीमें भी आगे आई थी मुंब्रा शहर में नशा मुक्त करने के लिए, मगर ये तंजीमें भी कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आई हैं, क्योंकि नशा रुकने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। शहर के लोग पुलिस प्रशासन पर भी उंगली उठाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर पुलिस चाह ले तो नशा बेचने वाले सलाखों के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि मुंब्रा कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से नशे की जंजीर में गिरफ्तार होता जा रहा है। और अक्सर खबरें सामने आती हैं कि नशा बेचने वाले नशा करने वाले किसी न किसी पर वार कर देते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, बच्चों के साथ वार की खबरें भी सामने आती हैं और कार्रवाई के नाम पर पुलिस सिर्फ ज़्यादातर NC ही लेती है। अगर पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाज सेवक और कुछ NGO मिलकर एक अभियान चलाकर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई कर सलाखों के पीछे इन्हें भेजे तो थोड़ी बहुत कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। रेहान पीतल वाला कल दोपहर से ही रात तक नशे के खिलाफ इस इलाके में घूमते रहे और रात के समय 2 पुलिसकर्मी भी हालांकि वहां पहुंचे, मगर मारपीट करने वाले वो चारों आरोपी वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी तरह से कोई भी मामला दर्ज होने की खबर सामने नहीं आई है। सुनिए रेहान पीतल वाला और ताहिर हुसैन ने क्या कुछ कहा है। जगह पर आज अभी झगड़ा हुआ इसी को लेके कि भाई ये नशे का सामान ये लोग बेचना बंद नहीं कर रहे, ये निस्बत से, और काफ़ी दिनों से ये मामला चल ही रहा है मुसलसल। यानी कभी कभार जब पुलिस ज़्यादा सख्ती करती है तो ये मामला बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इक्का दुक्का इनकी वारदातें होती रहती है। मना करने के बावजूद बहुत बार कंप्लेंट हुई, इससे पहले भी कड़ साहब ने, सीनियर हमारे कड़ साहब और बहुत सारे दीगर ऑफिसर्स ने बहुत बड़ी बड़ी मुहिम छेड़े, बहुत इनको पकड़ा गया, लेकिन ये फिर थोड़े दिनों के बाद में वापस से शुरू कर देते हैं मामला। आज भी इनको आके 3 बार मना किया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन उसके बाद भी मेरे को लगता नहीं है कि ये मामला इस तरीके से होना चाहिए जो हो रहा है यहाँ पर। और आज झगड़े भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए, एक आदमी के सर में भी और मुंह पर भी कुछ चोटें आई। दोनों ईरानी समुदाय के लोग थे और इसी के ड्रग्स के ऊपर से झगड़ा हुआ उनका।
क्या बेचने को लेके, बेचने को लेके एक ग्रुप बोल रहा था हम नहीं मना बंद करेंगे, एक ग्रुप बोल रहा था कि भाई इसको बंद कर दो, यहाँ पर रिहायशी लोग रहते छोटे बच्चे। इस नस्बत से कितने अंदाजे यहाँ पे रहते हैं, आबादी कितनी होगी यहाँ पर ईरानी समुदाय की? ईरानी समुदाय के तकरीबन 101 लोग रहते होंगे। अच्छा रेहान भाई, आपने भी कुछ दिन पहले जो है एक मुहिम ऐसे चलाई थी कि जो नशा बेचेगा तो आप हमें कॉल करो, हम उसे सबक सिखाएंगे जी। और कहीं ना कहीं जो है आपके इलाके में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, ये एरिया जो है सुर्खियों में बना हुआ है जी कई दिनों से। असल में दीगर और भी काम रहते हैं, जितना हमारे से हो सकता है, जितना हमारे ग्रुप के लोगों से, जितना हमारे बच्चों से, जितना इस मोहल्ले के जितना अहबाब से हो सकता है वो लोग करते हैं, जितना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकता है उतना वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका, मुझे ये लगता है कि मैं मेरी बात करूं तो हम इनका ये नशे का पूरी तरीके से व्यापार रोकने में असमर्थ है शायद। ठीक, अभी मेरी यही इंशाल्लाह, इससे पहले भी जब ये मामला हुआ था तो हमारे उमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ साहब, उनसे भी बात हुई थी, साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस मामले पे ये पूरी चीज़ों के ऊपर वो काम किया था और ये पूरी तरीके से बंद हो गया था। मंगेश बोरसे साहब थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा कॉम्बिंग यहाँ पर किया था इससे पहले भी, शायद उनसे भी एक बार मारपीट हुई थी, उनको कुछ चोट भी आई थी और ये पूरा मामला बंद हो गया था। लेकिन बार 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 यानी ये सारे लोग हमारे इस पूरे मोहल्ले के लोग और सारे लोगों को ये एक चीज़ है कि एक सोल्यूशन मिल जाए यहाँ के लोगों को, और इंशाल्लाह अब ये हम लोग सारे मुस्तैद है, पूरे लोग यहाँ के सारे लोग, यहाँ के रिहाइश वाले और कुछ आज ईरानी समुदाय से भी हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि वो लोग भी चाह रहे कि ये जो गंदगी है ड्रग्स की यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो क्या वजह है कि आपसे ड्रग्स का सफाया नहीं हो पा रहा है? असल में ये बाईपास का बहुत बड़ा पैच मिल जा रहा है तो जाने के आने के लिए यहाँ से निकल जाता है मामला। तो जो लोग हैं इसके अंदर कुछ लोग हैं फिगर आउट है, अभी हम इंशाल्लाह मंडे के दिन हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर गढ़ साहब से भी मिलेंगे, मधुकर गढ़ साहब से, और एक कंप्लेंट पूरे यहाँ के लोगों की सिग्नेचर लेके एक सिग्नेचर कैंपेन चला के इंशाल्लाह उनके सर के सामने रखेंगे और फिर हमें उम्मीद है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है? नहीं, पुलिस की पेट्रोलिंग तो होती है लेकिन इस तरीके से ये इलाका पूरा ओपन है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ओपन है, तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन और बैरियर नहीं, आने जाने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है भागने के लिए, तो उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन शेर अली जाफरी। अच्छा, कैसे क्या मार कैसे हुआ आपके साथ? रेहान सर आया था, मना कर रहा था कि इधर धंधा मत करो, बवाल बहुत हो रहा है, सब बच्चे लोग मर रहे हैं स्कूल का, तो हमको बोल कर गया रेहान सर का कोई भी धंधा करेगा देखेगा तो मेरे को आके बोलो। तो मैं उसको आके बोला अख्तर को कि ये धंधा बंद करो, अख्तर को बोला ये धंधा बंद करो, तो अख्तर क्या बोलते कि रेहान हो या पुलिस वाला हो कोई मेरा कोई भी कुछ उखाड़ेगा नहीं, हम तुम्हारे कहने पे हटेगा नहीं। तो मैं बोलने को गया तो चार जन मेरे ऊपर हमला किया, गाजी, सफ़ीर, अख्तर और पाकिजा, चार जन पीतल बॉक्स मेरे मुंह पे पूरा मारा, पूरा सूझ गए। चौकी में भी गया, चौकी में गया तो वो लोग उन क्या बोलते कि तुम डॉक्टरी करके आओ, और डॉक्टरी करके आओ, और अभी तक पुलिस वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे लिए पुलिस वाला आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता था, क्या चीज़ का धंधा हो रहा था यहाँ? अख्तर, बाटल, कोरेक्स, बटन, एमडी, गांजा, सब अख्तर बेचते हैं, बच्चे लोग का हाथ में झोली देते, बोलते यहाँ खड़ा हो जाओ, हम एक पूड़ी के पीछे आपको 10 रुपया देगा। तो बच्चे लोग नशे के लिए खुद भी नशा करते हैं, वो झोली उठा कर गली गली भागते हैं। हम देखा तो मना किया कि बेटा ऐसा कर मत करो, सब कौम बदनाम हो रहे हैं, पूरा एरिया मुसलमान तबाह हो रहे हैं, तो वो लोग चार जन मिलकर मेरे को मार रहे हैं। रेहान पीतलवाला का कहना है कि इलाके में नशे को लेकर वो अब और तेज अभियान करेंगे क्योंकि महिलाएं बच्चे अब इन नशाखोरों से कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शासन प्रशासन की भी ज़रूरत है कि इन नशा की सौदागरों पर सख्त कार्रवाई करें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।